और अगर हम न भुला देते तो शायद 21वीं शताब्दी का भयानक 9/11 न होता। सवा सौ साल पहले एक 9/11 था जिस दिन इस देश के नौजवान ने कल्पना कीजिए करीब करीब आप ही की उम्र का 5 साल साहब आगे हो सकता करीब करीब आप ही की उम्र गेरे वस्त्रधारी दुनिया जिस कपड़ों से भी परिचित नहीं थी विश्व जिसे गुलाम भारत का प्रतिनिधि के रूप में देख रहा लेकिन उसकी आत्मविश्वास में वो ताकत थी कि गुलामी की छाया उसके न चिंतन में थी न व्यवहार में थी न उसकी वाणी में थी। वो कौन सी विरासत तो उसने अपने अंदर संजोया होगा कि गुलामी के 1000 साल के बावजूद भी उसके भीतर वो ज्वाला धक रही थी, वो विश्वास उमड़ रहा था और विश्व को देने का सामर्थ्य इस धरती में है, यहां के चिंतन में है, यहां की जीवन शैली में है। ये असामान्य घटना है। हम खुद सोचे कि हमारे चारों तरफ जब नेगेटिव चलता हो, हमारी सोच के विपरीत चलता हो, चारों तरफ आवाज उठी हो और फिर हमें अपनी बात बोलना हो तो कितना डर लगता है। चार बार सोचते पता नहीं कुछ डर लगता है। भारत सरकार की तरफ से एक युवाओं के वो नई दिशा युवाओं को प्रेरणा देने के लिए दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पूरे भारतवर्ष से 1000 की संख्या में विद्यार्थी परिषद के एवं विभिन्न छात्र संगठन के छात्र संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी उसमें जुड़े थे। मुख्य रूप से वहाँ 6 विषयों पर बात की गई थी जिनमें एक भ्रष्टाचार क्लीन इंडिया जैसे 6 विषय थे जिनका प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता भारत के लोग और भारत माता पर क्या प्रभाव हो सकता है इस विषय पर मोदी जी रविशंकर प्रसाद जी स्मृति ईरानी जी महेश शर्मा जी सहित 7 से 8 केंद्रीय मंत्रियों से विषय से उद्बोधन सुनने को मिला उनसे 1-to-1 चर्चा हुई थी। ये इसमें कितने दिन का ये था आप लोगों का टूर क्या कुछ? ये कार्यक्रम तो एक ही दिन का था जिसमें सुबह से शाम तक एक कार्यशाला के रूप में किया गया था। मोदी जी का उद्बोधन सुबह लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का बहुत ही ऊर्जावान उद्बोधन प्राप्त हुआ था। उसके बाद एक डिबेट सेशन 1-to-1 चर्चा के रूप में बोल सकते हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री के सामने में लोगों को अलग अलग बांटा गया था अपने चुने हुए विषय के हिसाब से। उस केंद्रीय मंत्री से हम अपनी बात रख सकते थे, भारत सरकार की उस विषय पर क्या पहल है, भारत सरकार उस विषय पर क्या सोचता है, अपने देश के नागरिकों के लिए क्या सोचता है, उन मंत्रियों द्वारा लोगों को जानकारी मिली थी। For more information, log on to www.clips.in.